4 दिसंबर को दिल्ली के नगर निगम चुनाव होने हैं, जिनके लिए 1349 में से 1326 उम्मीदवारों के हलफनामे का एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने आंकलन कर रिपोर्ट जारी की है। एडीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हलफनामे के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस बार दिल्ली नगर निगम चुनाव में उन 139 उम्मीदवारों को पार्टी ने टिकट दिया है जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें 76 उम्मीदवारों पर गंभीर मामले दर्ज हैं। बात करें 2017 की तो यहाँ कुल 2315 प्रत्याशियों के चुनावी हलफनामे का विश्लेषण किया गया था, जिसमें 116 प्रत्याशियों पर गंभीर आरोप मिले थे, जो कि करीब 5% होते हैं। सबसे ज्यादा आपराधिक मामले जिस प्रत्याशी पर दर्ज हैं, वो हैं अबू फजल इनक्लेव वार्ड से एसपी प्रत्याशी आशु खान। उन पर 10 मुकदमे दर्ज हैं, जिसपे 16 गंभीर धाराएं हैं और 44 अन्य धाराएं भी शामिल हैं। फिर नाम आता है विशाल, जो कांग्रेस के न्यू अशोकनगर से प्रत्याशी हैं, जिन पर 6 मुकदमे दर्ज हैं। इन पर 6 गंभीर धाराएं और 15 अन्य धाराएं लगी हैं। तीसरे स्थान पर हैं एनसीपी से कल्पना झा, इनका वार्ड है संगम विहार बी और इन पर 5 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें 6 गंभीर और 15 अन्य धाराएं शामिल हैं। फिर आते हैं आपके वाजिद खान, इनका वार्ड है अबू फजल एनक्लेव और इन पर कुल 6 मुकदमे दर्ज हैं। चलिए आप जानते हैं कि हर पार्टी में कितने प्रत्याशी हैं जिन पर आरोप लगे हैं। सबसे टॉप पर आम आदमी पार्टी है, जिसमें 248 प्रत्याशियों के हलफनामे का विश्लेषण करने के बाद ये पता चलता है कि 45 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिर आती है बीजेपी, जिनके 249 प्रत्याशियों के हलफनामे का विश्लेषण के बाद पता चलता है कि 27 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिर कांग्रेस के 245 प्रत्याशियों के हलफनामे का विश्लेषण किया जाता है तो मालूम पड़ता है कि 25 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं बीएसपी के 129 प्रत्याशियों के हलफनामे के विश्लेषण के बाद मालूम पड़ता है कि 4 प्रत्याशी हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ओवैसी की एआईएमआईएम के 15 प्रत्याशियों के हलफनामे का विश्लेषण करने के बाद मालूम पड़ता है कि 5 ऐसे प्रत्याशी हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। निर्दलीय 380 प्रत्याशियों के हलफनामे के विश्लेषण के बाद ये मालूम पड़ता है कि 5 पर गंभीर मामले दर्ज हैं। तो अब आपको मालूम है कि वोट देने से पहले आपको अपने प्रत्याशी को कितने अच्छे से जानना है और 4 दिसंबर को वोट देने जरूर जाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिए और ऐसी तमाम एमसीडी से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें एबीपी लाइव।